हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए एंटोनिम्स का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने एंटोनिम्स का पार्ट वन एंड टू अपलोड किया था, आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें। SSC CGL 2017 में जो इंग्लिश के अदर टॉपिक्स आए थे उस पर भी हमारी कई वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एंटोनिम्स का पार्ट थर्ड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लुगुब्रियस मीन्स उदास या शोकाकुल, इन अदर वर्ड मॉर्नफुल, MOURNFUL, दैट मीन्स उदास और शोकाकुल। फॉर एग्जाम्पल, हिज फेलियर इन एग्जामिनेशन मेड हिम लुगुब्रियस, एग्जाम में उसकी असफलता ने उसे उदास और शोकाकुल बना दिया, दैट मीन्स मॉर्नफुल और लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS। इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लम्सी, दैट मीन्स भद्दा या ऑकवर्ड, ऑकवर्ड दैट मीन्स भद्दा, या अनदर वर्ड हम इसके लिए ल्यूड भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स भद्दा या बेहुदा। सेकेंड ऑप्शन है ल्यूसिड, ल्यूसिड मीन्स क्लियर साफ। थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, आशावादी मीन्स पॉजिटिव, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। फोर्थ ऑप्शन है सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स भयानक, ghastly, TLY, या फिर से अमंगल या अशुभकारी के सेंस में भी यूज करते हैं ओमिनस, OMINOUS, दैट मीन्स अशुभ। तो क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है लुगुब्रियस, दैट मीन्स उदास और शोकाकुल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, आशाओं से भरा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है विक्षेसस मीन्स चिढ़ाऊ या खींच पैदा करने वाला, इरिटेटिंग, दैट मीन्स विक्षेसस। द लिटिल चाइल्ड्स विक्षेसस रिक्वेस्ट अनॉयड हर मदर, छोटी बच्ची की चिढ़ाऊ रिक्वेस्ट ने उसकी माँ को गुस्सा दिलाया। तो चिढ़ाऊ के सेंस में विक्षेसस वर्ड को यूज करते हैं। इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कैलमिशियस, कैलमिशियस मीन्स नुकसानदेह, इसे हम कह सकते हैं डिजास्ट्रस या कैटेस्ट्रॉफिक, CATASTROPHIC, कैटेस्ट्रॉफिक दैट मीन्स विपत्तिजनक, नुकसानदेह, दैट इज कैलमिशियस। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेसरी मीन्स विश्वासघात, डिस लॉयल्टी, DISLOYALTY, डिस लॉयल्टी मीन्स वफादारी का नहीं होना, दैट मीन्स विश्वासघात। थर्ड ऑप्शन है सूदिंग मीन्स शांत करने वाला, कामिंग, काम मीन्स शांत, कामिंग मीन्स शांत करने वाला, या मिटिगेटरी, इसे अनदर वर्ड मिटिगेटरी भी यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सूदिंग या शांत करने वाला, सुकून देने वाला। फोर्थ ऑप्शन है प्लेवर मीन्स कोमल, इलास्टिक, दैट मीन्स कोमल, या फिर resilient मीन्स कोमल। तो क्वेश्चन में जो वर्ड है विक्सेसस मीन्स चिढ़ाओ, तो चिढ़ाओ का अपोजिट क्या होगा, जो चिढ़ पैदा करे, इसका अपोजिट होगा जो सुकून दे, जो शांति दे। और इस सेंस में जो ऑप्शन हमारे पास है वो है सूदिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड, और ये होगा हमारा आंसर कामिंग और मिटिगेटरी, दैट इज सूदिंग। नेक्स्ट है बर्गियोन मीन्स तेजी से बढ़ना, ग्रो फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी बर्गियोन्ड इनटू अ ट्रस्टवर्दी बिजनेस वुमन, वो एक विश्वसनीय बिजनेस वुमन के रूप में तेजी से बढ़ी, बर्गियोन के। तो इस सेंस में हम BURGEON इस वर्ड को यूज करते हैं। इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स सहारा देना, टू सपोर्ट एज ए वर्ब, नॉन फॉर्म में इसका मीनिंग होता है बिग पिलो, बड़ा तकिया, मसलन, दैट इज बिग पिलो बोल्स्टर एज ए नाउन। सेकेंड ऑप्शन है श्रिवल, श्रिवल मीन्स मुरझाना या सूख जाना, फेड, या फिर इसके लिए वीदर वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, WITH मीन्स मुरझाना या सूख जाना, फेड या वीदर, दैट मीन्स श्रिवल। थर्ड ऑप्शन है माउंट एज ए नाउन, माउंट मीन्स हिल, एंड वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग होता है क्लेम, CLIMB, या ascend,
ascend means chadhna. तो माउंट को वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है चढ़ना, क्लाइम करना या असेंड एज अ नाउन दैट मींस हिल. फोर्थ ऑप्शन है एम्पलीफाई दैट मींस मैग्नीफाई करना, एम ए जी एन आई एफ वाई. बढ़ाना या विस्तृत करना, लंबा करना, पी आर ओ एल ओ एन जी, लंबा करना या इनहेंस करना, बढ़ाना. तो इस सेंस में हम एम्पलीफाई वर्ड को यूज करते हैं. क्वेश्चन में जो वर्ड है बर्गियन मीन्स तेजी से बढ़ना, तो तेजी से बढ़ना, ग्रो करना, इसका अपोजिट क्या होना, मुरझा जाना, सूख जाना, ऑप्शन नंबर टू. और ये होगा हमारा आंसर श्रिवल, फेड और विदर. नेक्स्ट है कमिसरेट मीन्स सहानुभूति प्रकट करना, सिंपेथाइज करना, या पीटी वर्ड भी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसे रिलेंट भी बोल सकते हैं, मीन्स सहानुभूति देना, दया प्रकट करना. फॉर एग्जाम्पल आई कमिसरेट विद माई फ्रेंड आफ्टर ही फेल्ड हिज टेस्ट. मैंने अपने दोस्त के प्रति सहानुभूति प्रकट किया आफ्टर ही फेल्ड हिज टेस्ट, उसके टेस्ट में फेल होने के बाद. तो सहानुभूति प्रकट करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, सी ओ डबल एम आई एस ई आर ए टी. इसके लिए पहला ऑप्शन है डिबेटेबल, डिबेट मीन्स विवाद, तो डिबेटेबल मीन्स विवादास्पद, से हम मूट कह सकते हैं मीन्स विवादास्पद, कंट्रोवर्सियल. सेकेंड ऑप्शन है एम्पैथाइज, एम्पैथाइज मीन्स सहानुभूति, सिंपैथी. इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, उदासीन, तटस्थ. फोर्थ ऑप्शन है इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस वर्ड है. तुम्हारे पास जो तीन ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा वर्ड जो इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग का हो. सहानुभूति प्रकट करना तो इसका अपोजिट होगा इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, नो फीलिंग, नो सिंपैथी. उदासीन मीन्स जिसके पास कोई संवेदना नहीं हो, कोई फीलिंग नहीं हो, सहानुभूति नहीं हो, दैट इज इनडिफरेंट. और यही होगा इसका एंटोनिम, कमिसरेट का एंटोनिम इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशन मीन्स भड़कीलापन, एफ एल ए एम बी ओ वाई ए एन सी, या अनदर वर्ड इसके लिए गॉडीनेस, जी ए यू डी आई एन ई डबल एस. दैट मीन्स भड़कीलापन, दिखावा से भरा, दैट इज ऑस्टेंटेशन, ओ एस टी ई एन टी ए टी आई ओ एन. फॉर एग्जाम्पल द स्टैच्यू हैड ब्यूटी, स्टैच्यू में ब्यूटी था, खूबसूरती थी, विदाउट ऑस्टेंटेशन, बिना किसी भड़कीलापन के. इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स अनोखा, स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी, अनोखा. या फिर से हम हास्यपूर्ण भी कहते हैं, कॉमिकल मीन्स हास्यपूर्ण, ह्यूमरस, एच यू एम ओ आर ओ यू एस, दैट इज हास्यपूर्ण. तो इस सेंस में हम कॉमिकल वर्ड को यूज करते हैं. सेकेंड ऑप्शन है इनसेन, इनसेन मीन्स पागल, या उन्मादी, उन्मादी मीन्स फ्रेंटिक, सनक से भरा हुआ, क्रेजी, दैट इज इनसेन या फ्रेंटिक. थर्ड ऑप्शन है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स मामूली, या फिर विनीत से कह सकते हैं हम्बल, एच यू एम बी एल ई, या फिर इसके लिए हम ग्रेसियस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, जी आई सी आई ओ यू एस, दैट मीन्स विनम, सुशील, शिष्ट, दैट इज मॉडेस्ट. फोर्थ ऑप्शन है स्वंकी, स्वंकी मीन्स सजीला, स्टाइलिश, स्टाइलिश को हम स्वंकी कहते हैं. तो क्वेश्चन में जो वर्ड है ऑस्टेंटेशन दैट मीन्स भड़कीला, तो भड़कीला का अपोजिट क्या होगा, जिसमें भड़कीलापन ना हो, जो सिंपल हो, सादा हो, दैट इज मॉडेस्ट, सिंपल, साधारण, हम्बल या ग्रेसियस, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट वर्ड है बिक्वेस्ट मीन्स संकल्प दान और वसीयत, बी ई क्यू यू ई एस टी. फॉर एग्जाम्पल ही रिसीव्ड अ बिक्वेस्ट अंडर हिज ग्रैंड मदर्स विल, ग्रैंड मदर के विल के अंदर उसने वसीयत रिसीव किया, संकल्प दान यानी कि ग्रैंड मदर के द्वारा जो दान दिया गया उसे उसने रिसीव किया, दैट इज बिक्वेस्ट. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है अकॉर्ड मीन्स टू एग्री, सहमत होना, डैमेज मीन्स क्षति, डिस्ट्रॉय, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड. फोर्थ ऑप्शन है
Withdraw. Withdraw means वापस लेना. To take back. वापस लेना. तो क्वेश्चन में जो वर्ड है बिक्वेस्ट में संकल्प दान. दान मीन्स देना, डोनेट करना. देने के सेंस में बिक्वेस्ट को यूज करते हैं. तो इसका अपोजिट क्या होगा? विथड्रॉ मीन्स वापस लेना. वापस लेना जस्ट अपोजिट ऑफ देना, दैट इज बिक्वेस्ट. संकल्प दान. दान मीन्स देना. तो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर 4, विथड्रॉ. नेक्स्ट है इनब्रोगली मीन्स अव्यवस्था या उलझन. मेस उलझन. इस सेंस में हम एम्ब्रोगली वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज फर्स्ट टर्म इन ऑफिस वॉज टेंटेड बाय एम्ब्रोगली. उसका पहला जो टर्म था ऑफिस में वो उसमें दाग लग गया. किस चीज के लिए? तो अव्यवस्था का, कुव्यवस्था का दाग उस पर लगा था कि उसने कुव्यवस्था फैलाई. तो इस सेंस में हम एम्ब्रोगली वर्ड को यूज करते हैं. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है मिजरी. मिजरी मीन्स कष्ट, सफरिंग. SUFFERING. सफरिंग मीन्स कष्ट. या फिर इसके लिए हम डिस्ट्रेस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं. DISTRESS मीन्स दुख, परेशानी, कष्ट. सेकेंड ऑप्शन है सेंसर. सेंसर मीन्स निंदा. कंडेमनेशन. NATION. दैट इज निंदा करना, किसी की शिकायत करना, कंडेम करना. डिनंसिएशन वर्ड को भी मैं इसके लिए यूज कर सकते हैं. डिनंसिएशन मीन्स निंदा करना. तो सेंसर वर्ड को हम निंदा करने के सेंस में यूज करते हैं. कंडेमनेशन और डिनंसिएशन. थर्ड ऑप्शन है कंपोजर. कंपोजर मीन्स मानसिक संतुलन और शांति, व्यवस्थित होना. दैट इज कंपोजर. या फिर फॉरबेरेंस. BERANCE मीन्स धैर्य. इस सेंस में भी इसे यूज करते हैं. या व्यवस्था. फोर्थ ऑप्शन है डायलेमा. डायलेमा मीन्स दुविधा. कशमकस. OBEYANCE मीन्स दुविधा या कशमकश. तो इस सेंस में डायलेमा वर्ड को यूज करते हैं. क्वेश्चन में जो वर्ड है एम्ब्रोगली मीन्स अव्यवस्था, तो इसका अपोजिट क्या होगा? व्यवस्था. और इस सेंस में जो ऑप्शन हमारे पास वो है कंपोजर, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है इंटरप्रेट. इंटरप्रेट मीन्स नीडर. INTREPID मीन्स नीडर, साहसी. अदर वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं बर्सर्क. BERSERK या अनडाउंटेड. निर्भीक, बोल्ड. दैट इज बोल्ड. तो इस सेंस में हम इंटरप्रेट वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रेट सोशल वर्कर्स गैदर्ड फॉर देयर डिमांड. साहसी सोशल वर्कर्स जमा हुए फॉर देयर डिमांड, अपनी मांग के लिए. तो साहसी के सेंस में हमने इंटरप्रेट वर्ड को यूज किया. या फिर इसे वर्सर कह सकते हैं, अनडाउंटेड या बोल्ड. इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिट. ग्रिट मीन्स लालच या लॉन्गिंग. LONGING. लॉन्गिंग मीन्स चाहत. या फिर लोभ, लालच. QPGT मीन्स लोभ, लालच. इस सेंस में हम ग्रिट वर्ड को यूज करते हैं. सेकेंड ऑप्शन है काइंड. काइंड मीन्स ग्रेसियस. GRACIOUS. ग्रेसियस. दिस मीन्स दयालु, दानी. इसके लिए अनदर वर्ड इंटेलिजेंट को भी यूज कर सकते हैं. INTELLIGENT. इंटेलिजेंट मीन्स दयालु. थर्ड ऑप्शन है मीक. मीक मीन्स विनम्र, आज्ञाकारी या डरपोक. डरपोक के सेंस में भी हम मीक वर्ड को यूज करते हैं. तो क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका मीनिंग है नीडर. तो नीडर का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मीक. और ये होगा हमारा आंसर. मीक मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरप्रेट. डरपोक या विनम्र या आज्ञाकारी, इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं. फोर्थ ऑप्शन है सार. सार मीन्स आह. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीक. नेक्स्ट है रिफल्जेंट. रिफल्जेंट मीन्स चमकीला, भड़कीला. फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइड्स रिफल्जेंट डायमंड रिंग वॉज वेरी अट्रैक्टिव. दुल्हन का चमकीला डायमंड रिंग जो था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था. तो चमकीला के सेंस में हम रिफल्जेंट वर्ड को यूज करते हैं. REFULGENT. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है डार्क. डार्क मीन्स धुंधला, धुंधला या अस्पष्ट. सेकंड ऑप्शन है लॉट. लॉट मीन्स
जोरदार, emphatical, E M P H A T I C L, emphatical, that means जोरदार, loud. Third option है rough, means कठोर, H A R harsh, या फिर इसके लिए हम रूड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सख्त, कठोर, इस सेंस में हम रफ वर्ड को यूज करते हैं. फोर्थ ऑप्शन है स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा. क्वेश्चन में जो वर्ड है रिफ्लजेंट, दैट मीन्स चमकीला, तो चमकीला का अपोजिट कौन सा ऑप्शन है, डार्क, धुंधला, जो चमकीला नहीं हो दैट इज धुंधला, दैट इज डार्क, ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट है स्केप्टिक, दैट मीन्स शक्की, जो किसी चीज पर भरोसा नहीं करे, विश्वास नहीं करे, उसे कहते हैं स्केप्टिक और शक्की. इसे हम सेप्टिक भी लिख सकते हैं, एस सी ई पी टी आई सी, या स्मोकी, एस एम ओ के वाई, मीन्स शक्की. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज अ स्केप्टिक पर्सन, मिस्टर शर्मा एक शक्की आदमी है जो किसी चीज पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, तो इस सेंस में हम स्केप्टिक वर्ड को यूज करते हैं. इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिलीवर, दैट मीन्स बिलीव करने वाला, विश्वास करने वाला, जो किसी चीज पर जल्दी भरोसा कर ले, जल्दी विश्वास करे, उसे कहते हैं बिलीवर. इरेनियस मीन्स त्रुटिपूर्ण, इन एक्यूरेट, इन एक्यूरेट, या फिर फॉल्टी, एफ यू एल टी वाई, फॉल्टी मीन्स त्रुटिपूर्ण, गलतियों से भरा, तो इस सेंस में हम इरेनियस वर्ड को यूज करते हैं. थर्ड ऑप्शन है नर्वस, नर्वस मीन्स परेशान, बेचैन, कन्फ्यूज्ड, सिर्फ कह सकते हैं कन्फ्यूज्ड, या फिर इसके लिए अनदर वर्ड हम डिस्ट्रेसिंग यूज कर सकते हैं, डी आई एस टी आर ई डबल एस आई एन जी, डिस्ट्रेसिंग मीन्स परेशान, बेचैन. फोर्थ ऑप्शन है निहिलिस्ट, दैट मीन्स नास्तिक, नास्तिकवादी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्केप्टिक मीन्स शक्की, जो किसी पर भरोसा नहीं करे, तो जो भरोसा करे ये उसका एंटोनिम होगा, बिलीवर, ऑप्शन नंबर वन, दैट मीन्स विश्वास करने वाला. नेक्स्ट है एक्सटेनुएट, मीन्स धीमा करना या घटाना, ई एक्स टी ई एन यू ए टी ई, इन अनदर वर्ड डी ई सी ई एल ई आर ए टी ई, मीन्स धीमा करना या घटाना. फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन एक्सटेनुएट हर इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता को कोई भी धीमा नहीं कर सकता, घटा नहीं सकता, तो धीमा करना या घटाने के सेंस हम एक्सटेनुएट वर्ड को यूज करते हैं. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथन, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग, मजबूत करना, ताकतवर बनाना, इस सेंस में हम स्ट्रेंथन वर्ड को यूज करते हैं. सेकेंड ऑप्शन है इनफीवर, इनफीवर करना मीन्स कमजोर करना या डिट्रैक्ट करना, मीन्स इनफीवर करना. थर्ड ऑप्शन है अबेट करना, इसका भी मतलब होता है कम करना, मिनिफाई करना, मिनिफाई करना कह सकते हैं इसे, अबेट करना. फोर्थ ऑप्शन है अक्विट, मीन्स अपराध मुक्त करना, एक्सकल्पेट, ई एक्स सी यू एल पी ए टी, मीन्स दोष मुक्त करना और अपराध मुक्त करना, मीन्स अक्विट करना. तो क्वेश्चन में जो वर्ड है एक्सटेनुएट करना, मीन्स धीमा करना या घटाना, इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथन, ऑप्शन नंबर वन, टू मेक स्ट्रॉन्ग, मजबूत करना, तेज करना. नेक्स्ट है फीकेंट, फीकेंट मीन्स उपजाऊ और फर्टाइल या प्रोलिफिक, उर्वर, उपजाऊ. फॉर एग्जाम्पल, द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया इज अमंग द मोस्ट फीकेंट लैंड्स इन द वर्ल्ड, इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ लैंड्स में से एक है. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलिफिक, दैट मीन्स उपजाऊ, तो ये इसका सिनोनिम हो गया. सेकेंड ऑप्शन है स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स बंजर, अनउपजाऊ, और यही होगा इसका आंसर, क्योंकि उपजाऊ का अपोजिट होगा जो उपजाऊ नहीं हो, दैट इज स्टेराइल, ऑप्शन नंबर टू. थर्ड ऑप्शन नेसेसिटेट करना, मीन्स अनिवार्य बनाना, आवश्यक बनाना, ऑब्लिगेट करना, मीन्स अनिवार्य बनाना, आवश्यक बनाना, इस सेंस में हम नेसेसिटेट वर्ड को यूज करते हैं. फोर्थ ऑप्शन है टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स खलबली, पैनिक, या स्टैम्पेड, एस टी ए एम पी ई डी, स्टैम्पेड, मीन्स टर्मोइल, खलबली. क्वेश्चन में जो वर्ड है
Fecund, इसका मीनिंग है फर्टाइल या प्रोलिफिक, दैट मीन्स उपजाऊ उर्वर, और इसका अपोजिट होगा जो उपजाऊ नहीं हो, जो बंजर हो, दैट इज स्टराइल, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का हमारा एंटोनिम्स का पार्ट 3। मिलते हैं फिर एंटोनिम्स के पार्ट 4 में। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।